हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक। दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलिंग मूवीज या सीरीज देखना पसंद है और दोस्तों काफी टाइम से वेट कर रहे हैं ऐसी कोई अच्छी सीरीज आ जाए तो टेंशन मत लीजिए। एक सीरीज Z5 पर रिलीज हो चुकी है, इसका नाम है मिथ्या। इसमें आपको हुमा कुरैशी और अवंतिका दसानी लीड रोल्स में नजर आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, तो स्टोरी और प्लॉट के मामले में आपको बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट उसके अलावा आपको एक डिटेल रिव्यू दे देता हूं कि ये सीरीज देखने लायक है, इसमें आपको क्या अच्छी चीजें नजर आएगी और क्या कमियां हैं इस सीरीज में, अगर कुछ है भी, तो सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज की सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनका नाम है जूही अधिकारी और रिहा राजगुरु। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों प्रोफेसर और स्टूडेंट रहती है। जूही जो है वो एक हिंदी लिटरेचर की प्रोफेसर रहती है और रिहा उनकी स्टूडेंट रहती है, लेकिन उनके बीच कुछ चीज़ों की वजह से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और जिसकी वजह से बाद में एंड में आता है तो जैसे जैसे सच आपको खुलने वाली है आपको ये पता चलेगा कि जो जूही है उनके हस्बैंड जो है नील, उनका मर्डर हो जाता है। और दोस्तों, अब मर्डर हो चुका है और अब पुलिस आ जाती है और सस्पेक्ट को ढूंढने में लगी रहती है, और इसमें आपको हुमा कुरैशी और अवंतिका के बीच में एक बहुत ही खतरनाक सा आपको कॉम्बिनेशन नजर आने वाला है, और असली सस्पेक्ट कौन होगा वो तो आपको इस सीरीज को देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों, ये थी स्टोरी के मामले में। अब हम बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आने वाले हैं और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी जो जो राज खुलने वाले हैं वो देखकर शायद आपको भी कुछ कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में गूज़बम्प्स आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी डार्क सीरीज है आपको ये बता दूं अभी, और इसमें आपको थोड़े बहुत रोमांटिक सीन्स भी नजर आने वाले हैं, तो आप इसे फैमिली के साथ देखना तो प्रीफर नहीं करिएगा, क्योंकि यह सीरीज को आप अकेले बैठकर ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। और अब मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट आ गया तो आप बिंज वॉच करके बिल्कुल एक ही बार में आप इसको खत्म कर देंगे। इन शॉर्ट कहूं तो इसके बारे में, तो आपको दोस्तों इसमें जिस हिसाब की इसे एग्जीक्यूट किया गया है वो बहुत ज्यादा शानदार है। हुमा कुरैशी ने काबिले तारीफ काम किया इस सीरीज के अंदर, जिसे देखकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और हुमा कुरैशी के अलावा और भी जितने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो इस सीरीज के अंदर है, सबने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज बन के हमारे सामने आई है। दोस्तों, बात करें कुछ और अच्छी चीजों की, तो स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स काफी अच्छे है इस सीरीज के अंदर। दोस्तों, अब कमियों के बारे में बात करें तो मुझे लगा कि पुलिस की जितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी स्टोरी के अंदर थोड़ी सी और हो सकती थी, जिसकी वजह से शायद और ज्यादा थ्रिलिंग बन जाती, बट उतना वो चीज मुझे नजर नहीं आया है, क्योंकि ज्यादातर आपको फोकस जो है हुमा कुरैशी और दोस्तों अवंतिका के बीच के कैरेक्टर्स में ही ज्यादातर दिखने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट और वो जो होता है ना कि सस्पेक्ट को ढूंढने की जो चाह रहती है वो, उसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम नजर आता है मुझे। तो दोस्तों, बाकी इसके अलावा यह सीरीज